माय नेम इज़ इला एंड वेलकम बैक टू हर फैब वे। कितनी बार हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास इतना सामान है पर उसको रखने के लिए अब घर में जगह ख़त्म हो चुकी है, सारे कॉर्नर्स सारे ड्रॉज फिल हो गए हैं। बट लेट मी टेल यू द रियलिटी इज़ कि हमारे घर में अभी भी ऐसी स्पेसेस हैं जो वेस्ट हो रही हैं। एंड अगर हम थोड़ा फोकस करें तो उन स्पेसेस को ब्रिलियंट वेज में यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस इन आर हाउस। ऐसे ही अमेजिंग आइडियाज़ मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टेप इनटू दिस न्यू ईयर विद सम क्लेवर होम ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द कैबिनेट अंडर द किचन सिंक। हमारे किचन सिंक के नीचे जो स्पेस होती है वो जनरली काफ़ी अंडर यूटिलाइज होती है। हम जनरली उसमें डस्टबिन या कुछ क्लीनर्स एंड ऑल रख देते हैं, बट इस स्पेस को हम बहुत इजीली एक स्टोरेज स्पेस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किचन काफ़ी पुरानी है इसलिए इस पे ओवर द टाइम काफ़ी स्टेन्स डेवलप हो गए हैं, बट इस स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए हमने लास्ट ईयर बचे हुए बोर्ड से ये एक शेल्फ बनवाया था। इन पाइप्स के अकॉर्डिंग इस शेल्फ में भी स्पेस रखी है एंड दोनों साइड पे ये सपोर्ट्स लगवाए हैं ताकि शेल्फ को स्ट्रेंथ मिले। इस तरह से सारे पाइप्स भी हाइट हो जाते हैं और आपके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरेज स्पेस भी क्रिएट हो जाती है। मैं यहाँ पर बहुत सारा सामान डिफरेंट बास्केट्स में सेग्रीगेट करके स्टोर करती हूँ। लेट मी शो यू। ये दो बास्केट्स हैं फॉर किचन क्लीनिंग एंड होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। इन बास्केट में सभी डस्टिंग के क्लोथ्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। यहाँ एक बास्केट में स्क्रबर्स हैं और दूसरे में कुछ मिसलेनियस आइटम्स। अब हम इन सभी बास्केट्स को शेल्फ में रख लेंगे एंड जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम्स हैं उनको मैं टॉप शेल्फ में प्लेस कर रही हूँ। मैं ये आइटम्स तवा क्लीन करने के लिए यूज करती हूँ तो मैं इस कंटेनर को भी यहीं प्लेस कर रही हूँ। देन इस बास्केट में है सभी फ्रेश गार्बेज बैग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, तो इनको भी मैं अलग से इस कॉर्नर में रख दूंगी। तो आपने देखा जिस स्पेस की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता उस स्पेस को हम कितना वंडरफुली यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सब तरह का कितना सारा सामान स्टोर किया है एंड अभी भी इसके अंदर काफी स्पेस खाली है जिसको हम फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप इज फॉर डीप कैबिनेट्स ऑर्गेनाइजिंग। जो हमारे घर में डीप कैबिनेट्स होती हैं, चाहे किचन में चाहे वार्डरोब में, उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत चैलेंजिंग होता है। ओवर द ईयर्स हम रैंडम स्टफ बस उसमें भर देते हैं और जो एक एरिया हमारे लिए एक अच्छी स्टोरेज स्पेस बन सकती थी वो बस एक मेसी कॉर्नर बन के रह जाता है। लेट मी शेयर सम एग्जांपल्स। दिस इज माई वार्डरोब। इस वार्डरोब के टॉप में दो शेल्व्स हैं जो कि काफी डीप हैं। एज यू कैन सी ये शेल्फ काफी हाइट पर है एंड इसके अंदर रखा हुआ कोई भी सामान इजीली एक्सेसिबली नहीं था। Sometimes when I used to be in rush, मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें ऐसे ही डंप कर देती थी and as a result it became something like this। इसलिए ऐसे कॉर्नर्स को अरेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एज यू कैन सी यहाँ इस शेल्फ में भी ज्यादा आइटम्स नहीं रखे हुए हैं, बट बिकॉज वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है इसलिए दे हैव टेकन अप सो मच स्पेस। पूरा शेल्फ मैंने खाली कर लिया है एंड ये बॉक्सेस यहीं रहेंगे। शेल्फ की स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए मैं ये फोल्डेबल स्टोरेज बिन्स यूज कर रही हूँ। इसके अंदर मेटल फ्रेम है जो कि इस बैग को तो स्ट्रेंथ देता ही है, साथ में इसके अंदर रखे क्लोथ्स भी डी शेप नहीं होते। इस बैग के टॉप में एंड फ्रंट में भी जिप है एंड दोनों साइड्स पर हैंडल्स हैं ताकि हम इसको इजीली कैरी कर सके एंड पुल कर सके। मैंने ऐसे दो बैग्स रेडी कर लिए हैं। फर्स्ट बैग में मैं अपने सभी हैवी दुपट्टास एंड शॉल्स को स्टोर कर रही हूँ, इस तरह से वो डस्ट से भी प्रोटेक्टेड रहेंगे एंड मॉइस्चर से भी, एंड इट्स रेडी। देन ये मेरे कुछ पार्टी वेयर सूट्स हैं जो कि नेचुरली बहुत ओकेजनली ही यूज होते हैं, तो सबसे पहले मैं इनको कॉटन कवर्स में रख लूंगी। ये मेरे 7 हैवी सूट्स हैं जिनको हम इस सेकेंड बैग में रख रहे हैं। सारे सूट्स इस बैग में कंफर्टेबली फिट हो गए हैं। दोनों बैग्स रेडी हो गए हैं और अब हम इनको शेल्फ में रख लेंगे। देन मैंने एक ही बास्केट प्रिपेयर करी है जिसके अंदर कुछ हाइजीन केयर प्रोडक्ट्स हैं। इस बास्केट को भी मैं यही शेल्फ में रख लूंगी। नाउ दिस स्पेस इज वेल यूटिलाइज्ड एंड अगर आपको कोई सामान चाहिए तो आप इजीली फ्रंट पॉकेट खोलकर उसको निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि पहले शेल्फ में बस 5-6 रैंडम आइटम्स रखे हुए थे, बट जब हमने इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया तो इसमें इतने सारे सूट्स शॉल्स दुपट्टास एंड इवन हाइजीन प्रोडक्ट्स की एक स्मॉल बास्केट भी आ गई। एक वेस्ट कॉर्नर से मेसी कॉर्नर से ये एक सुपर स्टोरेज स्पेस में कन्वर्ट हो गया। नाउ लेट मी शेयर अनदर एग्जांपल।
दिस इज आवर लिनन क्लोसेट एंड इसके साथ भी सेम चैलेंज है, द शेल्व्स आर वेरी डीप। इस शेल्फ में मेरी सारी बेडशीट्स ऑर्गेनाइज्ड हैं एंड एज यू कैन सी इस शेल्फ में सिर्फ बैक स्पेस ही यूज हो रही है एंड आगे की इतनी सारी स्पेस वेस्ट हो रही है। शेल्फ की स्पेस को फुल यूटिलाइज करने के लिए मैं बैक साइड पर एक्स्ट्रा फर्निशिंग्स रख रही हूँ, जैसे कि कर्टेंस, टेबल कवर्स एंड बेड कवर्स। देन मैं ये फोल्डेबल स्टोरेज बिन्स यूज कर रही हूँ सारी बेडशीट्स को रखने के लिए, दे आर क्वाइट स्टर्डी एंड स्पेशियस एज वेल। बेडशीट के लिए हमने ये बिन्स इसलिए यूज करे ताकि बैक साइड से जब भी कोई फर्निशिंग का आइटम निकालना हो तो हमें बार बार एक एक बेडशीट ना हटानी पड़े। इस तरह से शेल्फ की बैक साइड भी प्रॉपरली यूटिलाइज हो गई एंड बेडशीट्स की एक्सेसिबिलिटी भी इजी हो गई। नेक्स्ट स्टेप इज फॉर यूटिलाइजिंग द ऑक्यूपाइड स्पेस। जिस स्पेस में ऑलरेडी सामान रखा हुआ है हम वहीं पर और चीजें भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूटकेसेस, ये हमारे स्टोर में, हमारे लॉफ्ट में इतना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एंड इफ दे आर नॉट फोल्डेबल इट्स बेटर टू यूटिलाइज द स्पेस दे हैव। आप अपने सूटकेसेस में ऑफ सीजन क्लोथ्स या फिर एक्स्ट्रा ट्रैवल बैग्स भी स्टोर करके रख सकते हैं। आई नो आप में से काफ़ी लोग इस टिप को ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, पर बहुत लोग ऐसा करना अवॉइड करते हैं थिंकिंग कि ऐसे सूटकेसेस और हैवी हो जाएंगे और उनको निकालना और वापस रखना और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे में आप सूटकेसेस में वो आइटम्स रख सकते हैं जो कि लाइटवेट होते हैं बट स्पेस बहुत ऑक्यूपाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा कुशन्स एंड पिलोज, सूटकेस के अंदर ये डस्ट से भी प्रोटेक्टेड रहेंगे एंड डी शेप भी नहीं होंगे एंड अगर आपको सडनली कहीं ट्रैवल भी करना पड़े तो भी सूटकेस को एम्प्टी करने में आपको 2 मिनट्स भी नहीं लगेंगे। एंड ये जो इतनी बड़ी पॉलिथिन है इसके अंदर हमारी क्विल ड्राई क्लीन होकर आई थी, आई यूज देम टू कवर ऑल माई सूटकेसेस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डस्ट। दिस वे विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी हमारा सूटकेस भी प्रोटेक्ट हो गया एंड उसकी स्पेस भी प्रॉपरली यूटिलाइज हो गई। Another example is this shelf. इस शेल्फ में सभी डिफरेंट टी बैग्स के कार्टन्स प्लेस्ड हैं। हमारा ध्यान नहीं जाता पर ये जो कार्टन्स होते हैं ये हमारी किचन में बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे आज मैंने इनको ओपन करके चेक कर लिया एंड लुक एट दिस, ऑल ऑफ देम आर ऑलमोस्ट एम्प्टी। देखिए सब कार्टन्स में टी बैग्स इतने कम बचे थे कि वो सारे एक ही कार्टन में फिट हो गए, विच मीन्स कि बाकी के कार्टन्स हमारे किचन की बस स्पेस वेस्ट कर रहे थे। इसलिए टाइम टू टाइम अपने किचन में कार्टन्स को जरूर चेक करिए, हो सकता है वो स्पेस वेस्ट कर रहे हों जहाँ पे आप और बहुत सारा सामान रख सकते हैं। सिर्फ टी बैग के कार्टन्स ही नहीं, हमारे स्नैक सेक्शन में जो बिस्किट के कार्टन्स होते हैं वो भी पूरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एंड हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि कब वो ऑलमोस्ट खाली हो गए हैं। इन सभी कार्टन्स में भी बहुत कम बिस्किट्स बचे थे इसलिए मैं उन सभी को एक ही जार में ट्रांसफर कर रही हूँ। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग सो मेनी कार्टन्स यू कैन यूज जस्ट वन जार एंड सेव सो मच स्पेस। नेक्स्ट स्टेप इज टू चूज द राइट स्पेस। आप अपना सामान ऑर्गेनाइज करते हुए जरूर सोचिए कि क्या ये चीजें और कम स्पेस में आ सकती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़े से सामान के लिए हम ज्यादा स्पेस डेडिकेट कर रहे हों? जैसे कि ये मेरे वार्डरोब में एक काफी ह्यूज ड्रॉर है जिसके अंदर मेरे सभी हैंडबैग स्टोर्ड हैं बट अनऑर्गेनाइज्ड हैं। यहाँ पर ये सारे बैग्स बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे एंड किसी एक बैग को ढूंढने में बहुत टाइम भी लगता था, तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस तरह का हैंगर यूज कर सकते हैं। इस हैंगर के दोनों साइड पर हुक्स हैं एंड ये काफी ब्रॉड भी हैं। हैंडबैग्स को किसी ड्रॉअर में न रख के अगर हम इस तरह से हैंग करके रखेंगे तो वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। सभी हैंडबैग्स सेपरेट हुक्स पर हैंग्ड हैं, इसीलिए आप किसी भी हैंडबैग को कन्वीनियंटली पिक कर सकते हैं। दे ऑल्सो लुक नीटली ऑर्गेनाइज्ड नाउ। अनदर एग्जाम्पल आर दी स्मॉल साइड बास्केट्स इन आवर फ्रिज। इन बास्केट्स में हम रैंडम सैशेस या फिर थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स रख देते हैं, जबकि अगर हम फोकस करें तो इन सभी आइटम्स को हम बहुत कम स्पेस में स्टोर कर सकते हैं। इस मल्टी सेक्शन कंटेनर में सारे लेमन्स फिट हो गए एंड इन टर्न फ्रिज में भी। देन इन बास्केट्स में सामान रखने से पहले मैं टेकआउट कंटेनर्स की ये लिड यूज कर रही हूँ ताकि जब हम इनके ऊपर जार्स या बॉटल्स रखें तो उनको एक प्रॉपर बेस मिले। साइड बास्केट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस तरह के कंटेनर्स भी यूज कर सकते हैं।
बास्केट्स के दोनों साइड्स में ये बकल डिजाइन है जिससे आप उनको ऐसे अटैच कर सकते हैं। इन बास्केट्स में आप सैशेज या फिर स्मॉल रैंडम आइटम स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से वो नेचुरली आपके फ्रिज में बहुत ही कम स्पेस लेंगे एंड दिस आल्सो गिव्स अ वेरी नीट लुक टू योर फ्रिज। यू कैन सी द डिफरेंस। पहले इन बास्केट्स में सामान भी कम था एंड दे लुक्ड सो मेसी, बट अब इसमें इतना सामान रखने के बाद भी दे लुक सो नीट। इस तरह से जब हम चीजों को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए राइट स्पेस डेडिकेट करते हैं तो हमारी बहुत सारी स्पेस वेस्ट होने से बच जाती है एंड हमें वही कैबिनेट्स, वही ड्रॉर्स और भी ज्यादा स्पेशियस लगने लगते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज टू बी क्रिएटिव। अपना घर ऑर्गेनाइज करने के लिए जब आप थोड़े डिफरेंट आइडियाज यूज करते हैं और आई शुड से कि एक यूनिक वे में किसी स्पेस को यूटिलाइज करते हैं तो आप अपने उसी घर में और स्पेस क्रिएट कर पाते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक डिफरेंटली एंड नॉट गो द कन्वेंशनल वे। लेट मी शेयर सम एग्जांपल्स। हमारे इस घर में शिफ्ट होने से पहले ये किचन कुछ ऐसी थी और ये एक कॉर्नर था जो कि पूरा फ्रिज के लिए डेडिकेटेड था, बट वी थॉट कि फ्रिज तो हम बाहर भी रख सकते हैं। तो हमने प्लान किया कि नीचे हम डिश वॉशर रखेंगे एंड ऊपर एक स्टोरेज यूनिट बनवाएंगे एंड वी डिड द सेम। किचन के साइड में जो वॉल स्पेस थी वहाँ हमने अपना फ्रिज रख लिया एंड ये वो शेल्फ है जो हमने अलग से बनवाया था अपने सभी लार्ज अप्लायंसेस को प्लेस करने के लिए। हमने यहाँ एक स्विच बोर्ड भी लगवाया था एंड यहाँ शेल्फ में एक होल भी करवाया था ताकि जब हम नीचे वाले शेल्फ पे माइक्रोवेव रखें तो उसको यूज करने के लिए हम सेम स्विच बोर्ड यूज कर सकें। इस तरह से हमारे शेल्फ पर सारे अप्लायंसेस फिट हो गए एंड साथ में कुछ और स्मॉल आइटम्स भी। इमेजिन अगर हमने ये स्टोरेज यूनिट नहीं बनवाया होता तो ये सारे अप्लायंसेस या तो कैबिनेट्स की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होते या फिर काउंटरटॉप पर ही रखे होते, बट थोड़ी सी क्रिएटिविटी ने हमारी कितनी स्पेस सेव की। ऑल दी अप्लायंसेस आर नीटली ऑर्गेनाइज्ड एंड आर इजीली एक्सेसिबल। लेट मी शेयर अनदर एग्जांपल। ओवर द इयर्स हम सभी के पास काफी किचन टूल्स कलेक्ट हो जाते हैं, मेरे पास भी हैं एंड दे ऑल आर वेरी यूजफुल, बट इनको स्टोर करने के लिए मुझे कोई प्रॉपर जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहती थी कि सारे टूल्स एक साथ रखे हुए हों एंड इजीली विजिबल भी हों। आई मीन किचन टूल्स हम लाते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए एंड काम के वक्त अगर उन्हें ढूंढना पड़े तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इवन हैविंग देम। इस किचन में ये एक ही कटलरी ड्रॉअर था, सो कटलरी को तो मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स यूज करके काउंटर टॉप पर ही अरेंज कर लिया एंड कन्वेंशनली जो ड्रॉर एक्चुअल में कटलरी स्टोर करने के लिए ही डिजाइंड होता है उसके अंदर मैंने अपने सारे किचन टूल्स अरेंज कर लिए। ओनली वी नो आवर नीड्स द बेस्ट एंड जब हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग किसी स्पेस को यूटिलाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं तो उससे हमारी ही लाइफ इजियर हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप इज टू नॉट इग्नोर वर्टिकल स्पेस। पहले मैं अपने किचन काउंटर टॉप पर कुछ जार्स एंड कुछ ऑयल बॉटल्स रखने के लिए ये एक ट्रे यूज करती थी। इसमें मैं ज्यादा सामान भी नहीं रख पाती थी एंड बहुत सारी वर्टिकल स्पेस भी वेस्ट हो रही थी। देयरफॉर इट वाज बेटर टू गो फॉर अ टू टियर शेल्फ। काउंटर टॉप पर ये शेल्फ ऑलमोस्ट ट्रे जितनी ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, बट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी वॉज मच मोर। पहले जो चीजें काउंटर टॉप पर इधर उधर रखे रहती थी वो अब एक ही शेल्फ में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है। Honestly speaking, मैं इस पर इतना ही सामान रखती हूँ, बट ये शेल्फ इतना स्टर्डी और स्पेशियस है कि आप इस पे और बहुत सारे जार्स, बॉटल्स एंड कंटेनर्स अरेंज कर सकते हैं। That's the importance of vertical utilization of any space. इससे ना सिर्फ हमारी स्टोरेज स्पेस मल्टीप्लाई हो जाती है बल्कि इससे चीजों की विजिबिलिटी और उनकी एक्सेसिबिलिटी भी इजियर हो जाती है। एंड द लास्ट स्टेप इज टू लुक फॉर स्मार्ट सॉल्यूशंस। वो स्टोरेज आइडियाज जो कि आपकी स्पेस को फुली यूटिलाइज करने में हेल्प करें। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है वैक्यूम बैग्स। आप में से काफी लोगों ने इनको ऑलरेडी यूज किया होगा एंड यू वुड नो दैट दे आर रियल स्पेस सेवर्स। इनको यूज करके लार्ज ब्लैंकेट्स, हेवी क्विल्स सब बहुत ही कम स्पेस में स्टोर हो जाती हैं। देन जब हम कैबिनेट स्पेस के साथ साथ उसकी डोर स्पेस को भी यूज करते हैं, देन दैट्स आल्सो अ वेरी स्मार्ट वे टू यूटिलाइज अ डेड स्पेस। इस तरह से जब हम फोकस करके ओपन माइंड के साथ अपना घर ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें वही किचन, वही वार्डरोब्स और भी ज्यादा स्पेशियस लगने लगते हैं।
एंड आई होप आपको अपने घर में स्पेस क्रिएट करने के लिए आज की वीडियो से और भी आइडियाज मिले हों। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में सबसे अच्छा आइडिया आपको कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्टे ट्यून एंड सी यू सून एट हर फैब वे। बाय।